और बातचीत करने के सुनील दुग्गल। सुनील जी बहुत स्वागत है आपका, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। स्ट्रांग परफॉर्मेंस देखने को मिली, हायर कमोडिटी प्राइसेस भी हमने देखे, बट क्वेश्चन यही है कि आपके ओपिनियन में एलिवेटेड प्राइसेस कब तक सस्टेन होते हुए दिखेंगे और आपका आउटलुक आगे फिर क्या है? देखिए, ये जो मेटल्स हम डील करते हैं, एक यूनिक मेटल्स में डील करते हैं, हम एक यूनिक पोजीशन में हैं, चाहे वो एल्युमिनियम बनाते हैं, जिंक बनाते हैं, लेड बनाते हैं, ऑयल एंड गैस बनाते हैं, निकल बनाते हैं, तो हम एक यूनिक पोजीशन में हैं। जहां तक सवाल है इन मेटल्स का, वर्ल्ड बैंक ने अभी एक रिपोर्ट निकाली है, उन्होंने कहा रोल ऑफ मिनरल्स इन डीकार्बोनाइजेशन। उन्होंने कहा है कि ये मेटल्स की डिमांड अगर ये नॉर्मल वे में एक्स पड़ेगी तो इन मेटल्स की डिमांड डीकार्बोनाइजेशन के संदर्भ में डबल होगी, 2x होगी, 3x होगी। जहां तक करंट का सवाल है, जियोपॉलिटिकल रीजन रहा, चाहे हमारी जो रशिया की एल्युमिनियम कैपेसिटी है वो इवैक्यूएट नहीं कर पाए, यूक्रेन की एल्युमिना रिफाइनरी 1.5 मिलियन टन की बंद हो गई, या एनर्जी क्राइसिस रहा जिसमें कुछ मेल्टर शट हुए यूरोप में, चाइना में एनर्जी क्राइसिस रहा, माइंस की फ्लडिंग हुई, चाइना ने एक कैप भी लगाई है एल्युमिनियम की कैपेसिटी पे कि वो इससे ऊपर इसकी कैपेसिटी नहीं बढ़ाएंगे। तो इन सब फैक्टर्स को देखते हुए इन मेटल्स की डिमांड इस दुनिया में रहने वाली है, और मेरा मानना है कि कमोडिटी प्राइसेस इस लेवल तक तो मिनिमम मेंटेन रहेंगे ही आने वाले टाइम। बिल्कुल सर, आपने अपना आउटलुक कमोडिटी प्राइसेस और ग्रोइंग डिमांड पर भी रखा, बट कस्टमर्स क्या इस राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस को, यह पूरी जो सिचुएशन है उसे अब फिलहाल अब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, आपको क्या लगता है? मुझे डिमांड में तो कोई फर्क नहीं लग रहा। आप देखिए कि प्रीमियम जो है वो इस कमोडिटी प्राइसेस में भी बहुत एलिवेटेड लेवल पे और रिकॉर्ड लेवल पे रहे डिफरेंट ज्योग्राफीज ऑफ द वर्ल्ड में, तो इसका असर कस्टमर के ऊपर करंट कॉन्टेक्स्ट में तो मुझे ऐसा कोई दिखता नहीं है, परंतु ये एक न्यू रियलिटी है, इस न्यू रियलिटीज को वर्ल्ड ने अब्जॉर्ब किया है और इस रियलिटी को वर्ल्ड को अब्जॉर्ब करना ही है। एक स्टॉक है रुचित, आपसे मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बड़े बड़े जेनरस डिविडेंड्स आ रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको राइट ऑफ किया वेदांता को, लेकिन धीरे धीरे ये 450 की तरफ आ ही गया। ठीक है, ऑल राइट, 425 से थोड़ा सा इसने अपना डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन इंटरेस्ट इसमें बहुत है, रुचि बहुत है इस स्टॉक के अंदर। चार्ट्स पे क्या लग रहा है इसमें, क्योंकि कल के डिविडेंड के बाद भी देखिए, अगर ये अच्छे हेल्दी प्रॉफिट साइकिल में ये कंपनीज हैं, ये कंपनी है जैसे प्रमोटर शेयर होल्डिंग काफ़ी है, डिविडेंड देते ही रहेंगे ये, राइट, 30-35-40 रुपये ऑलरेडी, 41 रुपीज अभी तक दे चुके हैं इस साल, तो चार्ट्स पे क्या दिखता है आपको? बिल्कुल अजय जी, ये जो रीसेंट ट्रेंड ही स्टॉक का हमने देखा है कि जब मेटल स्पेस में एक अपमूव थी तो बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक ने पिछले 1.5-2 साल में बताया है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं मोमेंटम रीडिंग्स जो ओवरबॉट जोन में थे उसके कारण स्टॉक का ट्रेंड अप से चेंज हो गया, शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करो जो साइडवेज हो चुका है, तो हमें लग रहा है कि मोर ऑर लेस शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन फेज ये स्टॉक में रहेगा, जहां पे नो अपसाइड पे 430-440 पे इसका अपमूव कैप्ड रहेगा और 400-395 ये काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट स्टॉक के लिए नियर टर्म में है, तो हम कोई बड़ी मूव एक्सपेक्टेड नहीं है शॉर्ट टर्म में, बट ये कंसोलिडेशन हो सकता है, ये टाइम वाइज करेक्शन रहेगा विद इन एन अपट्रेंड, सो 400-395 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक आप ये स्टॉक में कुछ साइडवेज मूव कुछ दिनों के लिए देख सकते हैं। ऑलराइट, तो क्लियरली वेदांता पर ही आउटलुक रुचित की तरफ से आता हुआ और नतीजों पर बातचीत करने के